नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ बहानगढ़ के किले पर। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यह गोपीनाथ मंदिर। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मूवी करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी, जो कि बहुत ही पुरानी मूवी है और एक सुपर डुपर हिट मूवी है, जिसे हम लोग आज भी देखते हैं और बहुत ज़्यादा उसके सीनों को पसंद करते हैं। तो उस मूवी के कुछ सीन यहाँ पर लिए गए थे इस गोपीनाथ मंदिर पर, और इस गेट के सीन लिए गए थे, और आगे भी जो बाजार है उसमें भी कुछ सीन लिए गए थे। और इसमें जो गाना था, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इस गाने में ही इस मूवी के सीन दिए गए हैं। तो अभी मैं स्क्रीन शॉट के द्वारा आपको मिलाने की कोशिश करूंगा और पूरा मंदिर भी दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलो चलते हैं गोपीनाथ मंदिर के अंदर। अभी मैं गोपीनाथ मंदिर के सामने आ पहुंचा हूं, और यहां पर एक सीन लिया गया था जब करण अर्जुन, सलमान खान और शाहरुख खान जी अपनी मां के चरण छूने के लिए, राखी गुलजार जी रहती हैं जो उनकी मां का कैरेक्टर निभाती हैं, जब वो मां का के पैर छूने के लिए सॉन्ग में ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर वो पैर छूने के लिए जाते हैं। आप स्क्रीन शॉट से मैच करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, आपको मंदिर के पूरे सीन दिखाता हूँ। जो ये आपको सामने दिख रहा है, ये भानगढ़ किले का त्रिपोलिया गेट है। यहाँ पर ये पहले टूटा फूटा हुआ सा नज़र आता था, जब 1995 में करण अर्जुन मूवी आई थी, जब वो आपस में दोनों भाई लड़ते हैं सलमान खान शाहरुख खान जी, तब यहाँ पर सीन लिए गए थे कुछ इस गेट के। इसको आप स्क्रीन शॉट से मैच करोगे या एक बार सॉन्ग को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक सीन यहाँ से लिया जाता है, जब सलमान खान जी और उनकी माँ वहाँ पे सामने जो सीढ़ियों पे आपको कुछ लोग दिख रहे हैं वहाँ पे बैठी होते हैं, और शाहरुख खान जी यहाँ आकर गाना गाते हैं, तो वो वाला सीन यहीं लिया गया है। और जो आपको जो सामने सीढ़ी दिख रही हैं उन पर बैठी रहती हैं उनकी माँ को वो बैठाती हैं, और बहुत सारे सीन यहाँ पर फरमाए जाते हैं, जो कि जो कुछ भी सीन लिए जाते हैं इस गोपीनाथ मंदिर के अंदर ही लिए जाते हैं। तो ये गोपीनाथ मंदिर है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कलाकृतियों के साथ बना हुआ है। इस पूरे मंदिर के दर्शन आपको इस वीडियो में मैं करवा दूँगा। और भानगढ़ किला जो आपको सामने दिख रहा है, वो भानगढ़ किला है जो एशिया का सबसे डरावना भूतिया किला माना जाता है, जिसमें रात को आना बिल्कुल सख्त मना है, सरकार ने इस पर बैन लगा दिया गया है। ये गोपीनाथ मंदिर है जो करण अर्जुन मूवी में आपको दिखाया गया था। देखिए कितना अच्छा, कितना भव्य मंदिर बना है। इस मंदिर के अंदर आज भी कोई मूर्ति विराजमान नहीं है। गोपीनाथ मंदिर की जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इन्हीं के ऊपर सलमान खान जी और राखी गुलजार जी बैठी रहती हैं, तब वो यहाँ पर जो आप स्क्रीन शॉट मैच करोगे इन्हीं सीढ़ियों पर बैठी रहती हैं, और कैमरा एंगल सामने से किया जाता है। वो अगर आप मिलाना चाहो तो एक बार स्क्रीन शॉट से मिला सकते हो। अब हम जाने वाले हैं मंदिर के अंदर। मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल बना हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। इस मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह जो दो तीन मंदिर और आपको मैं पहले उस वाली वीडियो में दिखाया था भानगढ़ वाली, उसी की तरह कोई भी मूर्ति नहीं है। इसमें बहुत सारे मंदिर हैं। एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, आप एक बार अंदर से छत को देखिए, कितनी भयंकर तरीके से सुंदर नक्काशी के साथ बनी हुई है, और ये डिज़ाइन देखिए, आपको मोहित कर देने वाली डिज़ाइन इस मंदिर में देखने को मिलेंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मंदिर है देखने में। यहाँ पर पूरी करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी, जो कि बहुत अच्छा मंदिर है देखने में। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी देखना चाहते हैं तो दिन में ही आएं, क्योंकि शाम को यहाँ एंट्री बंद है। गोपीनाथ मंदिर के अंदर जो आपको इधर दिखेगा ये चौक, ये पहले मंदिर की पूजा हवन करने के लिए बनाया गया होगा, तभी इसी
दरगाह चौक देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, देखने में देखने लायक है और मूवियों में ऐसे ही मंदिरों को लिया जाता है। आपको ऐसी फिल्म लोकेशन देखना हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब आप स्क्रीनशॉट से मैच करोगे तो सलमान खान जी उनकी माँ को वहाँ पर बैठाते हैं और शाहरुख खान जी इस तरफ आते हैं, तभी सीन लिया गया है। और एक और सीन लिया गया है जब वो सामने की सीढ़ियों से अपनी माँ को मंदिर की तरफ लाते हैं तो कुछ नाचने वाली या कुछ आपको दिखेंगी स्क्रीनशॉट में मैच करोगे तो कुछ लेडीज जो डांसर रहती हैं वो इस मंदिर से निकलती हैं, वो वाला सीन पूरा यहीं लिया गया है। उसके लिए आपको ये बंधन तो प्यार का बंधन है ये गाना एक बार ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे आपको ये मंदिर का पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ के सीन इस मंदिर के लिए गए थे, जो कि गोपीनाथ मंदिर भानगढ़ के भूतिया किले के बहुत ही नज़दीक है। एक सीन यहाँ से लिया जाता है जब सलमान खान और शाहरुख खान जी अपनी माँ के पैर छूते हैं तो उनकी माँ उनको यहाँ से उठा के ले जाती हैं, तब वो सीन यहाँ से लिया जाता है। जो मंदिर है ऊपर की तरफ, इसके नीचे जो बाउंड्री लाइन है जो आपको दिख रही है, इसी पर जो उस मूवी का सीन है जिस पर लिखा होता है करण अर्जुन, वो अपनी माँ के साथ यहीं पर खड़े हुए थे होते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में करण अर्जुन लिखते हैं और यहाँ पर उस गाने की शूटिंग होती है, तो वो नाम आज भी कुछ लोगों ने यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिख रखा है करण अर्जुन, और वो दीवार का सीन यहीं लिया गया था। हो सकता है आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आप जब स्क्रीन शॉट से मैच करोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि इस गोपीनाथ मंदिर के ऊपर के बहुत सारे सीन लिए गए हैं। मूवी का एक सीन यहाँ से लिया जाता है जब सॉन्ग लास्ट होता है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो सलमान खान जी और शाहरुख खान जी अपनी माँ के साथ वापस जाते हैं सॉन्ग में, तब ये भानगढ़ का जो जौहरी बाजार है, इस जौहरी बाज़ार को दिखाया गया है, वो सीन लिया गया है जो कि जौहरी बाज़ार की जो पुरानी दुकानें हैं उन्हीं के बीच जाते हैं, उन्हीं का सीन लिया गया है जो आज के स्थिति में बहुत ही तरीके से नष्ट होती जा रही हैं, खंडर बन गई हैं। और इनकी आप देखोगे ना तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको किसी भी दुकान के ऊपर कोई छत देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से थोड़ी ही वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर आप सामने चले जाओगे तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको भानगढ़ का किला और जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था गोपीनाथ मंदिर वो सब मिलेगा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा आते ही जाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने यहाँ पर जो करण अर्जुन मूवी के जो ये बंधन तो प्यार का बंधन है गाने के जो सीन थे वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है और इसके शॉर्ट से मिलाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ का पूरा भानगढ़ है भूतिया किला है, इसकी वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो इसको भी आप पूरा देखें और ऐसा चैनल पर सपोर्ट बनाते रहें। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, ताकि कुछ भी चीज़ है वो आपसे बहुत ज़्यादा मिस हो जाती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।